राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी के प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स में हम चार सेट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं पांचवा सेट, पार्ट फाइव। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नए बजट में, इसमें पूरे पीपीटी में क्वेश्चन का जो नंबर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, जहां बहुत ऊपर चला जाएगा वहां हम बता देंगे। नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई है, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। जो वो अभी खर्च कर रहा है उतना ही वो खर्च करे। अगर हम बोलें अभी वो पेट्रोल 100 रुपए का खरीद रहा था, तो वही पेट्रोल अब उसे कितने का मिलने वाला है, 110 का। अब अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा 110 में उतनी ही आनी है, लेकिन अब वो 110 का नहीं ले पा रहा है, तो मात्रा कितनी लेगा वो 110 की जगह, क्योंकि उसका खर्च 100 का है, तो उसे मात्रा कितनी कम करनी पड़ेगी, 10 कम करनी पड़ेगी 110 से। ये हो जाएगा 110 से कम करनी पड़ेगी, नीचे 110 गुना में 100। 11 में भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे, 11 99, फिर भाग बचेगा कितना, 1 बचेगा और भाग लगा रहे हम 11 से, 9 1/11 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से ट्रेडिशनली बी से ही स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का आ गया है, हम कोशिश करेंगे ना आए। एक श्रमिक के वेतन में, सेकंड क्वेश्चन है ये, एक श्रमिक के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो 100 की जगह अब उसे कितना मिल रहा है, 100 रुपए की जगह अब उसे मिल रहा है 125 रुपए। 125 मिल रहा है, अब वापस कितना करना है, इसे हमें वापस करना है 100, तो कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा 125 से गुना 100। 25 से काटेंगे ये 5 बार, 5 से भाग लगाएंगे इसको 20 बार, तो कितने प्रतिशत की कमी करना है, इसमें 20% की कमी करना है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ये थर्ड क्वेश्चन, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब ये पहुंचा दिया क्वेश्चन सीधे आपके पाले में, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी समझ काम करेगी। बढ़ाते हैं समझ को। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, जब आपको संख्या लिखना है 6 अंक की लिखना है, अब 6 अंक में आपको ये ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग का डिजिट हो वो 0 ना हो। कौन सा, जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, जहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं वो 0 ना हो, और छोटी से छोटी संख्या हो। जब हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तब हम लेफ्ट की तरफ छोटे से छोटा लिखते हैं और राइट हैंड तरफ जहां नंबर खत्म हो रहा है वहां बड़े से बड़ा लिखने चले जाते हैं। यहां हमें 4 डिजिट दे रहा है, केवल 3 डिजिट दे रहा है, 0, 4 और 6। तो छोटे से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से हम कर नहीं सकते, तो क्या बचा हमारे पास, 4। और वो बोल रहा है 6 अंक की संख्या लिखनी और सभी का यूज करना है, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार जरूर आए, बाकी कुछ भी रिपीट हो। अब भी हमें कम से कम या छोटे से छोटा लिखना है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5। अब 6 का भी यूज करना है, तो बड़े से बड़े का लास्ट में यूज करते हैं, ये होगी बड़ी से छोटी संख्या। अब आएगी बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमें स्टार्ट करना है बड़ी से बड़ी, अगर छोटी से छोटी यूज करना है तो सबसे लास्ट में यूज करेंगे। तो लिखने की कोशिश करते हैं हम 6, 6, 6, 6, 4 का भी यूज करना है और 0 का भी करना है, 4, और यहां लिख दिया हमने 0, 6, 6, 6 और 10, 10, 666, 46, 10, 666, 46, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। तो बस ये थोड़ी सी समझ हमें होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन से सजाया जाता है, आवश्यकता आवश्यक वर्गाकार डिजाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई डिजाइन या टाइल्स ले लिए जाते हैं जो एक कमरे में पूरे में बिछानी है,
अब जितना कमरा है उतनी क्या चाहिए हमें, टाइल्स चाहिए। मतलब कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल। एक जैसी टाइल काफी सारी लगेंगी तो वन टाइल इंटू क्या करेंगे हम, एन। ये करेंगे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल जितना कमरे का फर्श होगा बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल। और ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, ऐसी टाइल लगेंगी एन। अब देखते हैं हम, वो बोल रहा है 12 बाई 8 का कमरा है और इसमें कुछ टाइल्स लग रही हैं। अब टाइल्स कैसे निकालोगे आप, कवर ऐसे करना है, ये है 8 और ये 12। टाइल ऐसी हो कोई इसे भी पूरा नाप ले और इसे भी पूरा नाप ले, इस तरह से कुछ भी पार्ट बेकार ना हो, टाइल का पूरी पूरी टाइल नापनी है। तो 8 में भी आ जाए और 12 में भी आ जाए, तो 8 और 12 का क्या हो, वो फैक्टर हो। और फैक्टर भी कैसा, बड़े से बड़ा फैक्टर, अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाली जो टाइल हो वो बड़ी से बड़ी हो। लेने को तो हम छोटी से छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी बोल रहा है। बड़ी से बड़ी मतलब 8 उसमें शामिल हो जाए और 12 उसकी टेबल में शामिल हो जाए। एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल, चार टाइल, मतलब उसकी लंबाई जब हम नापेंगे, एक टाइल की लंबाई अगर तीन दो है तो दो की कितनी हो जाएगी, चार। तीन की कितनी हो जाएगी, छह। चार की कितनी हो जाएगी, 8। इस तरह से लेना है। तो वो इस टेबल में किसके में आए, जो लंबाई आप ले रहे हो उसकी टेबल में 8 भी आए, उसकी टेबल में 12 भी आए। तो 8 और 12 किसकी टेबल में आता है, 8 और 12 आता है 4 की टेबल में। तो टाइल की लंबाई कितनी ले, 4, और वो कैसी है, वर्गाकार है। तो टाइल, एक टाइल कितने की हो जाएगी, साइज 4 बाई 4। तो यहां हो जाएगा कमरा 12 बाई 8 का और एक टाइल 4 बाई 4 की। ऐसी एन टाइल्स लग रही हैं, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, 3 दूनी 6, तो एन बराबर क्या आ गया, 6। ऐसी 6 टाइल्स हमारी लग जाएंगी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एन एक प्राकृत संख्या है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाजित होगा। एन क्यू माइनस एन में से अगर हम एन बाहर लिखेंगे गाइस, तो हमें कैसा दिखेगा, एन स्क्वायर माइनस वन। एन स्क्वायर माइनस वन का मतलब वन स्क्वायर, तो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको समझाया जा चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें यूज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें, एन माइनस वन और एन प्लस वन। एन माइनस वन एन से पहले आने वाली संख्या है, तो इसे इस तरह से रखा जा सकता है, एन माइनस वन एन और एन प्लस वन। एन कोई संख्या है, उसके पहले वाली संख्या भी शामिल कर रहा है, उसके बाद वाली संख्या भी शामिल कर रहा है। अगर ऐसी आप कोई भी संख्या लिखने की कोशिश करोगे, ये क्या होंगी, तीन क्रमागत संख्या। और एन कैसा है, प्राकृत है। अगर हम प्राकृत संख्याएं भी, तीन क्रमागत प्राकृत संख्या कहीं पर भी आप लिखोगे तो उसमें निश्चित रूप से कम एक सम संख्या आएगी और एक तीन का मल्टीपल जरूर आएगा। आप फिर से नोट कर लें, तीन क्रमागत सम कोई भी संख्याएं आप लिखोगे, 3 की टेबल वाली एक संख्या जरूर आएगी और साथ में आएगी एक सम संख्या। आप कुछ भी कर लो, कम से कम एक सम संख्या जरूर आएगी। जैसे हमने लिखा 1 2 3, हमने लिखा 2 3 4, हमने लिखा 3 4 5, हमने लिखा 5 6 7, कुछ भी आप लिख लो जो आपका मन कर रहा है, एक सम संख्या और एक तीन की टेबल उसमें जरूर होगी। जैसे यहां 6 में ही दोनों शामिल हैं, 2 गुणा 3, तो ऐसा ही मिलेगा। तो मिनिमम हम क्या देख लें, कम से कम कंडीशन क्या बन सकती है, ये 6 बन सकती है। जहां 2 जरूर होगा और 3 जरूर होगा टेबल में, तो 2 3 कितना होगा, 6। मतलब वो संख्या 6 से आवश्यक रूप से कटेगी, आगे किसी से भी कट जाए लेकिन 6 से तो वो जरूर कटेगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 5.52 माइनस 2.3 का होल स्क्वायर, 23 का वर्ग 529। तो ये हो जाएगा 5.52 माइनस 5.2। फिर उसके बाद 0.8 का क्यूब इंटू प्लस 0.8 का क्यूब, इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, 5.52 माइनस 5.2
29 प्लस 0.8 का क्यूब, तो 0.8 और 0.8 लिख दिया इनटू 0.12, और 0.12 के नीचे क्या था 0.4 चार बार, 0.4 चार बार, 0.4 है इसमें चार बार। फिर उसके बाद लिखना है हमें माइनस का 3.14, ये सॉल्व करना है। अब इसमें ये तो कट जाएगा, एक ही अंक के बाद दशमलव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, ये दो बार कट जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे, चार बार था ना ये, तो हाँ ये 0.4 है, 0.4 यहां से दशमलव हटाओगे, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, एक जीरो, दो जीरो नीचे आ जाएंगे, चार से काटेंगे ये तीन बार, कोई एरर नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ थी है 24, 24 मतलब 2.4, इसमें से इसे घटाएंगे ये हो जाएगा 0.23 और ये हो जाएगा 2.4, नीचे 10 था माइनस 3.14, ये जुड़ जाएगा 2.63 और ये 3.14, माइनस करना है तो आप 263 और 314 लेकर माइनस करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसमें से इसे घटाओगे 37 और 14 क्या आ जाएगा 51, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 0.51, 51 का मतलब क्या होगा दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो माइनस का 0.51 हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये भी क्लियर होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, समझने के लिए ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ही करना था, और उम्मीद है आप लोग ऐसा कर रहे होंगे कि आप क्वेश्चन देखकर वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करते होंगे, देन उसके बाद चेक करते होंगे क्या हमारा आंसर ठीक है। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपए में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करनी है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य हमें देखना है और दोनों का विक्रय मूल्य हमें पता है 960 और 840 रुपए में वो बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है ये हम देख लें, बेचना हम देखें, सेलिंग प्राइस हम देखते हैं, टोटल 960 और 840, 40 रुपए अगर हम इसमें डाल दें तो ये 1000 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, 1800 में वो बेच रहा है। जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, हम पूरा कॉस्ट प्राइस एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, एक साथ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में वो हमसे बोल रहा है पहली बेच रहा है 960 में और 960 में उसे 4% की हानि हो रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100 में से 4 की हानि, तो बचेगा कितना 96 बचेगा, 96% में वो बेच रहा है और 96% को बोल रहा है 960, तो 100% निकालना है हमें दूसरी इक्वेशन में, दूसरी कंडीशन में हमें बोल रहा है 20% का लाभ, 100 की वस्तु 120% में वो बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 120% हमें दे रहा है, 100% पूछ रहा है और 120% कितना है 840। सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 10 बार और ये हो जाएगा 1000, यहां 1000 की खरीद थी और यहां पर 12×7=84, 700 की खरीद थी, मतलब कुल मिला के कितने का खरीदा था सामान उसने दोनों, 1700 रुपए का खरीदा था और बेचा कितने का, बेचा उसने 1800 रुपए का, तो उसका शुद्ध लाभ कितना है 100 रुपए, 100 रुपए उसका शुद्ध लाभ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में 2022 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लिखित निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। अब यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा दिख रहा है, इसका जो फॉर्मूला है और एक ही काम के लिए वो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप इसे इसी तरह याद रखें तो भी ठीक है और नहीं रहता है तो भी चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ए प्लस बी प्लस डी
सी जीरो हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो जाएगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे आसानी से, किसी भी जीरो का इनटू किसी दूसरे नंबर में होगा तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा जो गुणांक होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, माइनस थ्री ए बी सी इस तरफ चला जाएगा। अपने क्वेश्चन में हम देखें माइनस ट्वेंटी है और तेरह और सात, तेरह और सात कितना होगा बीस, और यहां रेड का बीस, सभी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा अंडा हो जाएगा, तो ये पूरा भी अंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। मतलब आंसर में हमें सिर्फ क्या बताना है, थ्री ए बी सी बताना है, तीनों का गुणा करके तीन गुना हमें करना है, तीनों का गुणा करके तीन गुना करना है, तेरह सत्तर इक्यानवे, इक्यानवे का दो गुना, इक्यानवे का दो गुना कितना हो जाएगा एक सौ बयासी हो जाएगा। लिख देते हैं इसे थ्री माइनस ट्वेंटी थर्टीन और सेवन, तेरह सात इक्यानवे, इक्यानवे दूनी एक सौ बयासी, एक सौ बयासी का तीन गुना करना है, का तीन गुना करना है माइनस का, तीन दूनी छ हो जाएगा, आठती है चौबीस का चार हो जाएगा, बचेगा दो, तीन एकम तीन और दो पांच, माइनस का फाइव फोर सिक्स जीरो अपना आंसर बन जाएगा, माइनस का फाइव फोर सिक्स जीरो मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा रिलेशन, और आपको इसी तरह से इसे याद रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे याद रखें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह था क्वेश्चन नंबर एट, आठवां क्वेश्चन था ये, नौवे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर नाइन, नौवा प्रश्न, आप देखें इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, करें स्टार्ट से, बिल्कुल सरल सा सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें, सेवन रूट फोर्टी एट, अड़तालीस क्या होता है सोलह थी है अड़तालीस, अब इसे लिखेंगे इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सोलह गुना तीन प्लस एक सौ सैतालीस क्या होता है उनचास थी है एक सौ सैतालीस, यहां से सात बाहर, यहां से चार बाहर, सात सौ अट्ठाईस, सात सात उनचास, अट्ठाईस और उनचास कितना होगा सतहत्तर होगा, सेवेंटी सेवन रूट थ्री, सतहत्तर करनी तीन, सतहत्तर करनी तीन, सेवेंटी सेवन रूट थ्री, सेवेंटी सेवन रूट थ्री ऑप्शन नंबर डी, और ग्रुप डी में पूछा गया था ये 2018 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल हमसे कह रहा है पॉइंट जीरो 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 सिक्स सिक्स नाइन सेवन का दशमलव के तीन अंकों तक सही मान क्या होगा, इस तरफ से हम देखेंगे, सीधे हाथ से हम देखेंगे, पीछे से बढ़ेंगे तो कितने अंक लेना है, सिर्फ तीन अंक लेना है हमें, वहां तक हमें देखना है और पॉइंट लगाना है। अब देखो संख्या लिखी जाती है आगे से, आगे से कितने अंक लेना है हमें, तीन अंक लेना है, अब लिखेंगे क्या, तीन अंक क्या है, तीनों जीरो है, तीनों जीरो है, और जो हमें हटाना है वो हटाना है छियासठ संतानवे, अब ये छियासठ संतानवे घटाना हटाना है तो सात हटा के यहां हम क्या कर देंगे दस बना देंगे इसको, तो उनहत्तर की जगह ये क्या दिखेगा हमें सत्तर दिखेगा, ये दिखेगा सत्तर, अब ये है जीरो तो हटी जाएगा, छह के ये क्या है सात, सात की वजह से ये क्या बन जाएगा सात बन जाएगा, एक बढ़ के, अगर पांच से छोटा होता तो हम छह का छह बना रहने देते, सड़सठ है तो हम कोशिश करेंगे ये डेसिमल में दस की तरफ चला जाए, तो हम इसे दस मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा सात, अब आगे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो ये सात है, दशमलव पद्धति में अगर हम दस के पास जा रहे हैं तो उसके पहले वाले अंक को एक बढ़ा देंगे, तो सात हटा के यहां एक बढ़ा देंगे जीरो में, तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट जीरो जीरो वन, ये हमारी तरफ से तीन अंक में दशमलव में हम इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे, पांच से बड़ा है तो पीछे वाले अंक को एक बढ़ा दे, उदाहरण के तौर पर यदि ये ऐसा होता फोर फोर होता तो इसे हम क्या लिखते इसे लिख देते हम पॉइंट फोर, अगर यही होता पॉइंट फोर सेवन तो इसे हमें लिखना पड़ता पॉइंट फोर फाइव अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि सात हम हटाएंगे तो अगले वाले को एक अंक बढ़ा देंगे,
अगर 5 से कम होगा तो हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम उसे दशमलव में 0 मान लेंगे। 5 बिल्कुल बीच में संख्या है, 5 से ऊपर हम उसे 10 मान लेंगे, 5 से नीचे हम उसे 0 मान लेंगे अप्रोक्सीमेशन में। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन होता है। अब चलते हैं 10वें से 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपए है। वो कुछ पैंट और शर्ट की कीमत कुछ पैंट और शर्ट के बराबर बता रहा है। तो हम ले लेते हैं 2 पैंट की कीमत 2x है और 4 शर्ट की कीमत 4y है, बराबर 1 पैंट मतलब x और शर्ट 6y, ये बराबर है शर्ट x पैंट पैंट x शर्ट y। अब इसे हम सॉल्व करने जाते हैं, सरल करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, कीमत में शर्ट और पेंट की कीमत में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। x यहां आएगा ये x हो जाएगा, 4 यहां जाएगा ये 2y हो जाएगा। तो x और y की कीमत कैसे आ गई, अगर पेंट की कीमत 2 है तो शर्ट की कीमत 1 होगी। अब हमें क्या दे रहा है उस पर हम चलते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं। पेंट की कीमत 2 और शर्ट की कीमत 1, जब वो हमसे कह रहा है 2 पैंट ले रहा है, 1 पैंट की कीमत कितनी है 2, 1 पैंट की कीमत है 2, तो 2 पैंट की कीमत कितनी हो जाएगी 4, 2 पैंट की कीमत हो जाएगी 4, 2 पैंट की कीमत और शर्ट की कीमत 1, शर्ट कितनी है 4 और ये कुल कितने का दे रहा है 5600। तो 1 की कीमत हमने निकाली, 8 से भाग लगाएंगे कितनी आ जाएगी 1 की कीमत आ जाएगी 700। अगर 1 की कीमत 700 है, 1 अगर 700 है मतलब शर्ट की कीमत 700 है, तो पैंट की कीमत कितनी होगी 1400, शर्ट की कीमत 700 पैंट की कीमत 1400। अब बोल रहा है उसने 10 शर्ट खरीदे, उसने 10 शर्ट 6000 रुपए में बेचे, 10 शर्ट 6000 रुपए में बेचे तो प्रति शर्ट लाभ या हानि बताएं। एक कितने की खरीदी 700 की और 10 बेची, 10 में से एक का अगर हमें निकालना होगा तो एक जीरो हटा देंगे, एक कितने की बेची 600 की बेची, तो उसे क्या होगा लॉस होगा, शर्ट बेची उसने 600 की और खरीदी कितने की 700 की, कितना लॉस हो गया उसे, लॉस हो गया 100 का, लॉस हो गया उसे 100 का, 100 रुपए की हानि उसे हो गई, 100 रुपए की हानि। ऑप्शन देखें हानि में, ऑप्शन नंबर डी हमें बता रहा है 100 रुपए की हानि, आरपीएफ एसआई 2019। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70, उनके पूर्णांकों में प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि अनुपात कितना बन जाए, ये अनुपात बन जाए 5:6। पहले अनुपात कितना 3:4, हरेक में जोड़ेगा तो अनुपात में जो अंतर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखो यहां अंतर है 1 और यहां अंतर है 1, मतलब कहानी बिल्कुल ठीक से चल रही थी और चल रही है। तो हम देखें प्रत्येक में बढ़ा कितना, हमने देखा प्रत्येक में बढ़ा कितना 2, 4 से ये 6 हो गया, 3 से ये 5 हो गया, जबकि पहले 4 और 3 मिला के कितना था 70, 4 और 3 है कितना 7, तो हर एक चीज कितनी हो रही है 10 गुनी हो रही है। 7 को क्या कह रहा है इस, ये मिलके बन रहा है 7, लेकिन 7 को क्या कह रहा है 70, तो 2 को क्या कहेगा 20, हर एक में कितना जोड़ा 2 या 20, हमारे हिसाब से 2 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से जब वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, हर एक संख्या में कितना जोड़ा जाए प्रत्येक पूर्णांक में 20 जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पढ़े आप, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, पी कोई भी व्यक्ति है वो काम 4 घंटे में कर सकता है, देन उसके बाद Q और R मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को करने में पूरा करने में कितना समय लगेगा, बहुत ही सरल और साधारण सा क्वेश्चन आ जाता है ये, टाइम एंड वर्क का। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, P कोई काम कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है, Q और R मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं, Q और R कर रहे हैं इसे 3 घंटे में,
और जबकि पी और आर इसे दो घंटे में कर रहे हैं, पी प्लस आर इसे दो घंटे में कर रहे हैं। जब हम एलसीएम लेने जाएंगे, पूरा काम बनाएंगे, ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। पी का एक घंटे का काम 3 आ जाएगा, क्यू और आर का एक घंटे का काम 4 आ जाएगा, पी और आर का एक घंटे का काम 6 आ जाएगा। हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए क्यू। जहां क्यू नहीं होगा वो हमारे काम का है, यहां पर क्यू नहीं है। अब देखें क्यू पी कितना कर रहा है, पी कर रहा है 4 काम, पी कर रहा है 4 काम, पी यहां पर है, पी यहां है तो पी 4 कर रहा है, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 6। अगर पी का 4 है तो बचा आर का होगा, कितना बच जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 हो जाएगा आर का। अब आर यहां पर है, हमें पता है दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, आर अगर 2 कर रहा है तो बचा हुआ कौन कर रहा होगा क्यू, 4 में से 2 जाएंगे बचेगा कितना 2, तो क्यू भी कितना कर रहा है 2। अब क्यू से काम करवाना है 12 और एक घंटे में काम कर रहा है 2, कितने घंटे में काम होगा 6 में, कहीं पर कोई एरर छोटी छोटी 3 चौक 12 ये 6 आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा 3। पी अगर 3 काम कर रहा है, ये 3 लिखना था यहां पर एक घंटे में, तो आर कितना करेगा 3 करेगा, आर अगर 3 करेगा तो क्यू कितना करेगा 1 करेगा, क्यू 1 करेगा तो 12 काम करवाना है क्यू से, कितना समय लेगा ये 12 समय ले, अपना आंसर बन जाएगा 12। 12 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन गया। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक व्यक्ति ने 75,000, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की, 6 साल के लिए उसने पैसा दिया, 7.5% एक साल में उसे वापस मिलेगा। अब एक साल में मिलेगा, 6 साल का मतलब होता है 2 गुना 3, 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, एक साल में 7.5, तो 2 साल में कितना, 2 साल में मिलेगा 15, 15 तीय कितना मिलेगा, 6 साल में उसे मिल जाएगा 45% ब्याज। एक साल में 7.5, 2 साल में 15, 2 साल का 3 गुना कर देंगे, 6 साल का आ जाएगा 2 साल का 15, तो 15 तीय 45, ये 6 साल का आ गया। 6 साल के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन बताना है, मिश्रधन कैसे मिलेगा, 100% उसे मूलधन मिलेगा, 45% उसे ब्याज मिलेगा। तो आप चाहे इसका 45% निकाल के 75,000 में जोड़ दें, या आप सीधे 145% निकाल दें। 100% हमें कितना दे रहा है, 100% हमें दे रहा है 75,000, पूछ रहा है 145%, दोनों जीरो हटा दो, सॉल्व करेंगे, एक जीरो पहले ही आ जाएगा, 75 का 5 गुना, 75 का 5 गुना, 75 का 2 गुना 150, 150 का 2 गुना 300, 4 गुना हो गया, 1 गुना और करना है, 300 और 300 75 हो जाएगा, जोड़ेंगे 75 और, तो 75 में से क्या आ जाएगा 5, 375 का क्या बच जाएगा 37, 75 चौक 300 और 37, 337 का 7 आ जाएगा, बचेगा क्या 33, 75 एकम 75, 30 33 और जोड़ दोगे हो जाएगा 108 750, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। आप चाहे क्या कर सकते थे, 75,000 का 45% निकाल के 75,000 में जोड़ देते, वही कहानी हमारे पास मिलती हमें। अगले सवाल पर चलते हैं हम, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। अब 27 किलोग्राम में उसने क्या मिलाया, आटा मिलाया। पहले देखें अनुपात क्या था, 17:28 था, ये किसका था, खाद्य पदार्थ में शुगर और आटे का था, आटे को ए लिख दिया अपन ने, आटा, शुगर और आटा था। अब बोल रहा है एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में, अब इसकी मात्रा अभी दे रहा है 27, और नया जो अनुपात बन रहा है आटा मिलाने के बाद क्या बन रहा है, 2:5, मिलाया आटा और शक्कर का अनुपात बदल रहा है,
तो शक्कर का अनुपात तो कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। हम इसे बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम इसे बराबर करते हैं, बराबर करेंगे 17 और 2 को। यहां मैं 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां मैं 17 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। 2 से गुणा करेंगे तो शक्कर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 34, और आटा कितना दिखेगा हमें, 18 दूनी 28 दूनी 56, 17 दूनी 34, ये हो गई शक्कर बराबर। 17 पंजे 85, ये हो गया 85। अब कहानी को हम देखें, ये तो 34 का 34 था, वो पूछ रहा है कितना आटा मिलाया, ये कितने यूनिट है, 4 यहां ले जाके जोड़ा 60 और 30 90, 90 यूनिट को कितना कह रहा है, 90 यूनिट को कह रहा है ये था 27 किलोग्राम, तो बढ़ा कितना, बढ़ा कितना 29 यूनिट ये बढ़ गया। देखो 55 और 30 होता 85, 86, 56 और 30 होता 86, लेकिन 86 से एक कम है तो 29 यूनिट हमसे पूछ रहा है। 9 से काट देंगे ये 10 हो जाएगा, 9 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, 29 ये निकालोगे 87 हो जाएगा, और 87/10 ये हटाया कितना आ रहा है 8.7 किलोग्राम। और आप लोग याद रखना, कैलकुलेशन में कहीं भी आपको करना हो ना तो नीचे कोशिश करना 10 या 100 बच जाए जिससे आपको पॉइंट लगाना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं वो पॉइंट्स में दिख रहे हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी आराम से क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। 16वां सवाल कह रहा है हमसे, ए बी और सी के अनुपात में पूंजी का निवेश किया जाता है, 2, 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का उन्हें निवेश किया, उनके निवेश में समय का जो अनुपात है 4, 5 और 6 है, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ देखा जाएगा शुद्ध निवेश, जो प्योर इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। अब यहां पर तो सिर्फ किसका इन्वेस्टमेंट बता रहा है, ऊपर बता रहा है पैसा लगाया, लेकिन टाइम का उसमें जो प्रभाव होता है वो सीधे सीधे होता है, किसी ने 1 महीने के लिए लगाया, किसी ने 4 महीने के लिए बराबर पैसा लगाया, तो जिसने 4 के लिए लगाया वो 4 गुना पैसा लेगा जब हम बराबर बराबर पैसा लगा रहे हैं। तो जो समय का इंपैक्ट होता है वो सीधा सीधा होता है, तो चाहे पूंजी हो, पैसा हो और समय हो, दोनों का बराबर इंपैक्ट होगा, मतलब वो गुणा के फॉर्म में चलेगा। तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 छक्के 30 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल बनेगा प्रॉफिट का रेशियो, या एक्चुअल या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रेशियो जब हम टाइम के साथ में इसको देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट का जो प्रॉफिट है उसका शेयर का रेशियो है। उम्मीद है ये कहानी भी आप बड़े आराम से समझ गए, ये कहानी समझ आ गई आपको, तो फिर अगली कहानी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न हमारा आज का, एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य, अब सूची मूल्य का मतलब आप समझ ले वहां पर जो प्रिंट है, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य की बात यहां पर की जा रही है। तो अंकित मूल्य 200 रुपए है, 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद इसे 150 रुपए में खरीदा जाता है। इसे अब दूसरे मेथड से बता देते हैं हम, 150 में खरीदा जा रहा है, मतलब 200 से आपको ये वस्तु पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% कितना होता है, 10% होता है 10 हटा के, 10 इसमें से हटाया, 20 घटाओगे कितना हो जाएगा 180 में यहां पर आपको मिल गई है। अब कितने में मिल रही है, फाइनली मिल रही है 150 में। डिस्काउंट कितना हो रहा है, 30 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है 180 पर, तो 30 का डिस्काउंट हो रहा है 180 पर। आप देख लें कितना बनेगा, ये 0 हट जाएगा, 3 से काटोगे 6, 1/6 का मतलब होगा 16/2/3%, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू, या क्या बन जाएगा 16.666, और अप्रोक्सीमेशन में 16.67%। अब तो ये आपको नहीं समझाना होगा अप्रोक्सीमेशन में कैसे लिखा जाता है, इसमें 16.66 ही लिखा है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा 16.66%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न हमसे कह रहा है, एक नल, एक टंकी को
25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब खाली और भरने का यहां पर क्वेश्चन आ गया, यदि वो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। नल ए ले रहा है 25 मिनट और नल बी ले रहा है बच्चों 50 मिनट और बी खाली कर रहा है, दोनों का क्षमता निकालेंगे एलसीएम से आ जाएगा 50। तो ए एक घंटे में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट और बी कितना खाली कर रहा है 1 यूनिट खाली कर रहा है। अल्टीमेटली 1 यूनिट जब दोनों नल खुले हुए होंगे तो 1 यूनिट उसमें पानी भरेगा, 1 इकाई पानी भरेगा। अब हम देखें उसमें भरना कितना है 50 भरना है, जब दोनों खुले होंगे तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा, तो 50 यूनिट हमें भरना है, कितना समय लगेगा 50 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। बहुत सीधा सच्चा सा ये सवाल था, कोई भी हेर फेर इसमें नहीं था 18वें क्वेश्चन में। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 19वें क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,500 रुपए उधार लेता है। रंजन ने उधार लिया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,500 रुपए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। 2 साल का ब्याज निकालना है 7,500 रुपए का। इसमें से 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत ही हो गए, बी और सी। 8,000 रुपए पे ले रहा है, इतना ब्याज हमें मिलेगा ही नहीं, और 4% के हिसाब से x+y+xy/100 से उम्मीद है आप इसे सीधा याद रखेंगे इस रिलेशन को। 4 4 4 4 16/100, 4 और 4 हो जाएगा 8 और 16/100 का मतलब 0.16, इतना ब्याज उसे टोटल मिल जाएगा और ये निकालना है हमें। 100% दे रहा है, 100% हमें दे रहा है कितना 7,500 और हमसे पूछ रहा है 8.16%। 75 का 6 गुना करना है, 75 का 2 गुना कितना होगा, 75 का 2 गुना होगा 150, फिर करना है 3 गुना क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है 2 गुना 3 और 8 का मतलब क्या होता है 2 गुना 4, यही कर लो 2 गुना 4। तो पहले 75 छक्के निकालना है हमें, तो 75 दूनी 150 का 3 गुना 450 का 0 आ गया, बचा कितना 45 बचा, 75 एकम 75 और 45, पहले 5 जोड़ दिया 80 हो जाएगा, 80 और 40 120 का हो जाएगा 0, बचेगा कितना 12 बचा 75 8, 75 दूनी 150 150 चौक 15 चौक 60, 600 150 चौक हो जाएगा 600 के बाद 12 पहले से था 612 और 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर हो जाएगा 612 ऑप्शन नंबर ए। 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो हम 5 साल पहले से शुरू कर देते हैं। 5 साल पहले अनुपात कितना था 5:7 था और वर्तमान में यह अनुपात कितना आ गया, वर्तमान में आ गया 3:4, 5 और 7 से ये आ गया 3:4। और आपने क्या सीखा है, जो अंतर होता है वो हमेशा कैसा रहता है, 2 लोगों की आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता, चाहे 5 साल पहले या 5 साल बाद। तो अंतर यहां बदल रहा है, तो हमारा काम होगा हम इस अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम इस अंतर को बराबर करने चलते हैं, यहां बराबर करेंगे, इस अंतर में हम 2 से गुणा करेंगे, तो कहानी ये क्या बन जाएगी 5:7 और ये बन जाएगी 6:8। अब देखें यहां पर बढ़ कितना रहा है 7 से 8 और हमने क्या लिखा था, ये है 5 साल पहले 5 ईयर अगो और ये है वर्तमान। बदलाव कितना हो रहा है, यहां 1 का बदलाव हो रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कितने साल बढ़ रहे हैं 5 साल, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में जो 1 यूनिट आया वो कितना आया 5। क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है y की आयु, ये x और y वर्तमान में कितना है 8 8 5 40 साल हमारा आंसर, ये 40 है 40 साल 40 ईयर्स
40 साल, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ये सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अगला सवाल कह रहा है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। औसत का मतलब होता है हरेक की, हरेक बच्चा कितने साल का था, 16 साल का था। जब दो छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु बढ़ गई। शेष छात्रों की औसत आयु बढ़ने का मतलब है कि वो जो थे वो कम के थे, जब कम के जाएंगे सभी को क्या किया, लेवल पर किया। औसत का मतलब होता है जो भी आएगा उसे लेवल पर कर लिया जाएगा। जैसे चार ग्लास हैं, एक इतना भरा है, एक इतना भरा है, एक इतना भरा है, जब उन्हें हम किसी पाइप से सभी को पैरेलल जोड़ देंगे तो जिसका ज्यादा होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा। यही कहानी एवरेज की रहती है। एवरेज में जिसका ज्यादा होता है वो उसका सभी को लेवल पर लाने के लिए बांट दिया जाता है हिस्सा। अब यहां पर बोल रहा है दो लोग जो थे वो चले गए। अब एवरेज के हिसाब से दोनों कितने के जाने थे, 32 के जाने थे, लेकिन जाने की वजह से औसत बढ़ रहा है, मतलब वो 32 से कम के थे, 32 से कम के थे, 32 से कितने कम के थे, 10 में से बचे कितने, 8। 8 लोगों को हरेक को कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 0.25 एक्स्ट्रा मिला, मतलब वो उतने कम के थे, उनने ले लिया था जब वो यहां पर उपस्थित थे। तो ये करेंगे माइनस 0.25, कितने लोगों के पास आ गया, 8 लोगों के पास, ये उनके पास एक्स्ट्रा था जो वापस देकर चले गए और ग्रुप से बाहर निकल गए। तो 25/8 कितना होता है, 25/8 होता है 200। तो 32 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो आंसर कितना होगा, उनकी एज कितनी थी, 30 साल थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आया होगा समझ ये क्वेश्चन आपको, 30। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सरल और सीधा सच्चा सज्जन सा सवाल है, तो इस सज्जन से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सज्जन सा सवाल कहेगा इसमें रिलेशन यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, लंबाई कितनी, 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, 120 और 100, 220 बटा समय कितना, 10 सेकंड। लेकिन बता किसमें लाए, बता किसमें रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 18/5, 220 बटा 10 गुणा 18/5। आप कुछ भी करें, 5 से काट लें, बाद में अपन जीरो लगा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 72, 72 और 7 79, 79 ये हो गया किलोमीटर पर आवर। जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं हमें पॉइंट, आप जीरो काट लो पहले, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, कैसे भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं नीचे 10 या 100 बचा रहे, उस अप्रोच से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10% ज्यादा है। आप लोग इसको, इस बात को नोट डाउन कर लेना, लिख कर रख लेना कि ज्यादा या कम, इसका सीधा मतलब होता है वो अंतर की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है 5% के हिसाब से। जब हम अभी रिलेशन हमने लिखा है x+y + xy/100, ये xy/100 हमने लिखा है, ये होता है CI और SI का अंतर। साधारण ब्याज तो दोनों साल समान मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा यहां बनेगा अंतर। अब ये अंतर कितना बनेगा 5 के हिसाब से, 5 × 5/100, 25/100% का अंतर बनेगा, मतलब 0.25% का अंतर बनेगा, इतने प्रतिशत का अंतर बनेगा। और इतना प्रतिशत हमें क्या दे रहा है, 100, इतना प्रतिशत हमें दे रहा है 10, और क्या पूछ रहा है, मूलधन कितने परसेंट होता है, 100% होता है। बहुत ही छोटी बात हो रही है आपके हिसाब से,
सरल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, दो जीरो यहां लगा दोगे 25 चौक हो जाएगा 100 और हजार चौक 4000 आपका आंसर आ गया धड़ाम से, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ गया आपका 4000 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, 5800 रुपए की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लगाया जाता है, साधारण ब्याज एक साल में 6%, तो 4 साल में कितना प्रतिशत, 4 साल में 24% ब्याज आपको मिलेगा, धनराशि कितनी हो जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो 100% तो मूलधन होता है, वापस 24% ब्याज भी तो लोगे, 124% आप लोगे और दिया कितना है 100%, 100% बोल रहा है, 100% है 5800 और चाहिए कितने प्रतिशत, 124% आपको चाहिए, 58 का 4 गुना करना है, 50 का 4 गुना, 50 का 4 गुना 200, 8 का 4 गुना 32, 232 का आ जाएगा ये, 2 बचेगा कितना 23, फिर उसके बाद 58 का 2 गुना 116, 116 और 20, 136 और 3 139 बचेगा कितना 13, 58 एकम 58, 58 और 13 हो जाता है 71, 7192 रुपए वापस लिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ गुणा था, उससे ज्यादा कुछ भी इस सवाल में आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो रेगुलर क्लास के बाद इसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। अब चलते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, इसे हम एलिगेशन से ना बताकर अभी बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, जब आप टाइम एंड वर्क हमसे पढ़ते तब हम इसे एलिगेशन से बताते, अभी हम इसको सीधे बताते हैं, टोटल समय लगा उसे 7 घंटे, 7 घंटे उसे समय लगा, T1 प्लस T2 बराबर कितना दे रहा है हमें 7R दे रहा है, चाल समय बराबर क्या होगा, समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, अब दूरी टोटल दूरी है 64, पहली दूरी यदि हम x ले लेते हैं और चाल पहली क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा ले लेते दूसरा होगा समय, दूरी बचेगी 64 में से x घटा दो, x यहां चल रही 64 में से तो वो घटा के शेष बची दूरी किससे चलेगा स्पीड, रायमा ने फिर चला 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 7 घंटे का इसमें समय लगा, उसने साइकिल पर कितनी यात्रा तय की, चाहे इसे x लिख सकते हैं यहां 64 माइनस x कुछ भी हम लिख सकते हैं, अब लिख दिया है तो फिर सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 7x, 12x में से 7x घटाओगे कितने x बचेंगे 5x बचेंगे, 64 में कितने से गुणा होगा 64 में गुणा होगा 7 से, ये 7 गुणा 12 यहां चला जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 12, यही एलसीएम था, अभी हमने इसे इंटू नहीं किया, हम सीधे सीधे लिख के चल रहे हैं अभी, अब देखो आप ये यहां जाके घटेगा तो 5x घटा यहां जाके, 7 बाहर लिख लें, ये हो जाएगा 12×7=84, यहां क्या बचेगा 6, कुछ गड़बड़ है इसमें, लेट्स सी, देखो कैलकुलेशन में कुछ भी, ये 12 यहां 7 यहां 64×7 ये था 64×7 तो ये बचेगा 64, तो ये कितना होगा 5x=7×20, सिंपल सी कहानी, 7×20, 5 से काटेंगे 4×7 = कितना आ गया x बराबर आ गया 28, अब एक जगह 28 है तो 64 - x ये कितना हो जाएगा 28 घटाओगे इसमें से 64 में से 20 और 34, 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, क्या जानना चाहता है दूरी तय की, उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, टाइम जानना चाहता है साइकिल वाला, ये टाइम जानना चाहता है, ये दूरी कितनी आ जाएगी, टाइम T2 निकालना है 36/12 कितना आ जाएगा TR, 3 घंटे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा, यूं भी आप लोग तुक्का तो बी मारने वाले थे, अगर कुछ भी नहीं करना करना होता तो मैं और जय माता दी करना होता तो तुम बी पर तुक्का लगा के बढ़ जाते आगे।
अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, मतलब ऐसी कुछ कहानी है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब ये चतुर्भुज का पार्ट है, चतुर्भुज का पार्ट है तो कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन जिससे लगे कि हाँ चतुर्भुज है, आगे बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा, ना आयत होगा ना समांतर चतुर्भुज होगा। आगे वो बोल रहा है किसी उसकी अन्य दो भुजाएं 25 बटा 2 प्रत्येक हैं और चतुर्भुज के अन्य तीन समकोण, अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, ठीक है समझ गए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अन्य दो जो भुजाएं बची हैं वो हैं 25 बटा 2 और ये 25 बटा 2। अब ये 25 बटा 2, ये 25 बटा 2, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यूं तो नहीं निकाल सकते, तो फिर हम पार्ट्स में निकालेंगे। जो बेसिक्स होता है वो यही कहता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको सीखना यदि है तो आप सीखें उसे त्रिभुज से, दो त्रिभुज से मिलकर चतुर्भुज बनता है। यहां पर दो त्रिभुज कैसे बनेंगे, दो त्रिभुज इस तरह से बन जाएंगे, ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बना जिसकी दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी नहीं पता है। अब इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हो जाएगा लंब का वर्ग 256 और आधार का वर्ग 144, ये मिलकर हो जाएगा 400, के स्क्वायर 400 है तो के कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है आपको, एक त्रिभुज का लंब और आधार पता है, तो त्रिभुज के दोनों फॉर्मूले यहां पर लग गए। आरपीएफ ऐसा ही का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिस दोनों तरीके से हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों यूज कर लिया, एक त्रिभुज में लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज में लगेगा हैरोस फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और जहां तक है ये हम इसका क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं तो आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, क्या कहानी है और कैसे कहानी है देखते हैं। एस होता है अर्ध परिमाप बाउंड्री का आधा, 25 का आधा और 25 का आधा जोड़ेंगे 25 पूरा हो जाएगा, 25 और 20 कितना, 25 और 20 होता है 45, और अर्ध परिमाप एस होता है तीनों को जोड़ के आधा करना, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब 45 का आधा, 45 का आधा कितना होगा 22.5, 22.5, ये 22.5 दे रहा है। अब अपन लिखते हैं सीधा इसका क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 16 गुणा 12, फिर नीचे प्लस अंडर रूट एस, एस कितना 22.5, एस माइनस ए, 22.5 में से एक भुजा घटा दो, ये कितनी है 25 का आधा 12.5, 22.5 में से 12.5 घटाओगे कितना बचेगा 10, फिर बचेगा 10, 22.5 में से 20 घटा दोगे क्या बचेगा 2.5 बचेगा। अब देखते हैं ये कितना 8, 12/8 कितना 96, प्लस ये 225 और ये 25, दो जीरो आते हैं, एक जीरो इसका आता नीचे, एक जीरो इसका नीचे आता, तो दो जीरो में से एक जीरो बाहर आ गया। अब कैलकुलेशन में 225, 225 क्या होता है 25 नम्मे, 9 से बाहर गया आ जाता 3, और 25 यहां और 25 यहां, एक बार 25 बाहर और एक बार, दो बार 10 में से एक बार 10 बाहर आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 25 ये कितना हो जाएगा 75, 75 में से पहले 4 यहां जोड़ दिया कितना हो जाएगा 100, अब बचेगा वहां 71, 100 और 71 हो जाएगा 171, 171 हमारा आंसर, 171 ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल कह रहा है हमसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी और sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू है, तो फिर रिलेशन हमें बनाना है। अब यहां रिलेशन वैसा दे रहा है जैसे प्रूफ करना हो हमें, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। cosec को क्या लिखेंगे, cosec होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, दूसरी तरफ दे रहा है sec थीटा मतलब 1/cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्यू, ये हो जाएगा 1-sin² थीटा और नीचे sin थीटा
इज इक्वल टू पी। देखो आइडेंटिटीज जो बताई थी वो क्या बताई थी, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताई है आपको लगभग हर क्लास में, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और क्या है, ये पक्षांतरण कर सकते हैं, इधर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये इस तरफ जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस तरफ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब अगर हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है, यहां क्या है एक है, यहां एक है, यहां एक है और यहां दो इक्वेशन में एक हमें दिख रहा है। आप अगर P वाले को और Q वाले को सरल करने की कोशिश करोगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, जैसे यहां पर साइन बटा कॉस क्या हो जाता, दो बार साइन है तो एक बार साइन यूज करके नीचे वाला कॉस यूज कर लेते, क्या बन जाता टेन, दो बार साइन है तो एक बार साइन बच जाता, तो ये क्या दिखता, ये दिखता क्यू। अब यहां एक बटा क्यू का दे रहा है तो इसे हम पलट के क्या लिख देते, एक बटा क्यू टेन पलट के क्या हो जाता कॉट, और ये पलट के क्या हो जाता कॉसेक, यही दिखता वन अपॉन क्यू, हमने इनको पलट दिया तो वहां भी पलट दिया, वैसा कुछ दे नहीं रहा है, साइन थीटा और टेन थीटा बराबर वन अपॉन क्यू दे रहा है, जबकि क्यू होता है कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें बीच में माइनस लगा है, जबकि जो आइडेंटिटी होती है सर्वसमिका होती है उसमें बीच में प्लस होता है, तो हम इसको चेक करने चलते हैं, ये क्या बोल रहा है हमें, स्क्वायर कर दो पी का और फिर कर दो, ये टू बाय थ्री है, ये होगा टू बाय थ्री, ये इस तरह से कुछ होगा टू बाय थ्री, तो इसे इसमें हम पुट करके देखते हैं पी और क्यू में, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। अब यहां इसका स्क्वायर करोगे कॉस कितनी बार हो जाएगा, चार बार हो जाएगा, यहां कितनी बार है नीचे एक बार, ऊपर चार बार, गुणा करोगे ये दोनों स्टेप का गुणा होगा, इस स्टेप का और इस स्टेप का, लिखकर बता देते हैं, कॉस हो जाएगा चार बार थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा, और ऊपर क्या है, ऊपर है दो बटा तीन, एक स्टेप समझना आप, ये कॉस कटेगा एक कम हो जाएगा, बचेगा कितना तीन, साइन स्क्वायर थीटा तो पूरे ही घट जाएगा, कॉस चार में से घटेगा एक घटेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती, तो ये तीन बचेगा, यहां से काटोगे देखो तीन है, यहां से इसे काटोगे कितनी बचेगी दो, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से दूसरे स्टेप को सॉल्व करोगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है वन, मतलब ये जो इक्वेशन दे रहा है एकदम ठीक दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 28, 28वां सवाल कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, ये खास प्रॉपर्टी, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होता है, वो बोल रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का और भुजा भी 16 की है, ये 16 की है और हमने मान लिया ये छोटा वाला विकर्ण है, देखो एक विकर्ण 16 से छोटा होगा, एक विकर्ण 16 से बड़ा हो सकता है, अब एक 16 के बराबर है तो दूसरा तो 16 से बड़ा होगा, तो ये छोटा दिख रहा है हमने इसको मान लिया, ये पूरा 16 का है तो 8 ऊपर होगा 8 नीचे होगा, ये अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा 256 कर्ण के हिसाब से, ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, ये हिस्सा हमें निकालना है, तो ये इसे मान लिया हमने x,
ये हो जाएगा 64 और x। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं इस कहानी को। अच्छा, इसको इतना भी क्यों ले जाना, और सरल कर लेते हैं इसे, और सरल कर लेते हैं, इतना भी नहीं करते अपन। ये दे रहा है 16, तो ये भी कितना होगा 16, ये भी कितना होगा 16। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी चतुर्भुज को यदि सरल संरचना के तौर पर देखना है ना, उसे त्रिभुज के रूप में देखो। अब ये त्रिभुज चतुर्भुज को, सम चतुर्भुज को क्या करता है, सम विभाजित करता है, दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। एक विकर्ण 16 दे रहा है, ये भुजाएं 16 दे रहा है, तो हमारे लिए आसान काम यह है कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें। कैसे निकाल सकते हैं, एक ही क्लास में तीसरा रिलेशन हमारे पास आ रहा है क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/√3/4a² किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² √3/4a² मतलब 16 × 16, पर ऐसे तो दो त्रिभुज हैं, गुणा दो, चार से काट देंगे हम चार बार, चार से काटेंगे हम चार बार, 16 × 64, 64 × 2 = 128 √3, 128 √3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। 10 मिनट क्यों ले रहे हैं, हम 1 घंटे का निकालते हैं ना, प्रति घंटे ही तो चाल होती है, तो प्रति घंटे चाल होती है, तो 10 मिनट को इसको कर देते हैं हम 60 मिनट, 6 गुना कर देते हैं और 1 घंटा कर देते हैं, ये 6 गुना क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल हमें पता चल रही है, x प्लस वाई, ये 1 घंटे में कितना है 2x - y, धारा के विपरीत होगी x - y 2 और x + y 6। अब जानना चाहता है वो शांत जल में नाव की चाल जानना चाहता है, नाव की चाल x ली जाती है और धारा की चाल y ली जाती है, x निकालना, और कई बार आपको सिखाया है दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो x आ जाएगा, 6 × 2 = 8, 8 ÷ 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न हमसे कह रहा है x = 2 + √5 है, y = 2 - √5 है, तो x² + y² की वैल्यू बताओ, दोनों का वर्ग करके जोड़ो। अब देखो a + b² a - b² a + b² और a - b² और वो बोल रहा है इनको बाद में क्या करना है, जोड़ना है, ये होता है a² + b² + 2ab, और माइनस वाले फॉर्मूले में a² + b² - 2ab, जब हम जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, a² + b² का 2 गुना कर देंगे, 2ab तो हट ही जाएगा, इसमें a² + b² का 2 गुना कर दो, a² = 2 का स्क्वायर 4 b² = √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 = 9, 9 × 2 = 18 आंसर बन जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस फॉर्मूले ध्यान रखना है। अब कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट्स हैं उनको समेटा जाए। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त पर खींचे गए हैं इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकालो। ये डायग्राम आपको एक बार हम बना के बता देते हैं किस तरह से ये दिखेगा। ये है एक समकोण त्रिभुज, इसके अंदर बनाया जा रहा है अंतःवृत्त और इसके बाहर बनाया जा रहा है परिवृत्त, तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अब परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्या पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो ये सीधे अब जो रिलेशंस है वो आपको ध्यान रखना है और वहीं पर ये पूछा जा रहा है और उसी पर आपको जोर देना है, तो उस पर जोर देते हैं हम, याद करवाते हैं आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इसे कहा जाएगा ऊंचाई, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, एल
ए और के, कुछ भी आप लिख लो, जब अंतः वृत्त की त्रिज्या निकाली जाती है तो यहां पर प्रूव नहीं कर रहे हम पी प्लस बी माइनस एच, लंब और आधार को जोड़ के कर्ण घटा के उसका आधा कर दो। यहां क्या करना है, तीन चार और पांच, तीन और चार सात, सात में से पांच घटाना है और आधा करना है, दो का आधा एक, एक आ जाएगा। फिर निकालना है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण का आधा, हाइपोटेनस का आधा, कर्ण का आधा, पांच का आधा होता है ढाई, 2.5। इनका अनुपात निकालना है एक और ढाई का, पॉइंट हटा दो ऊपर 10, पांच से काट दो, 2/5 आंसर 2:5 ऑप्शन नंबर बी। और आप तो यूं भी लगाने वाले थे बी, हमें पता है आप बी ही लगाते, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कोऑर्डिनेट दे रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष समय दे रहा है और उसका क्षेत्रफल बता रहा है 8, जिसमें से एक निर्देशांक में वो हमें एक निर्देशांक में कुछ डाटा कम दे रहा है, कुछ डाटा कम क्या दे रहा है, वो उसमें पी लिख रहा है, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हम लिख लेते हैं, 3 - 2 2 - 3 और p के साथ में -4। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं 1/2, फिर यहां लिखा जाता है x y - y + x y - y + x y - y। आपको ये फॉर्मूले भी याद करवाए जा रहे हैं इनडायरेक्टली, आप ध्यान रखें, ये दे रहा है हमें 8। अच्छा ये फॉर्मूला तो लिखते हैं, एक x को 1 से स्टार्ट किया, फिर ये 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, चक्रीय क्रम में, ये साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 इस तरह से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, यहां क्या आ गया 2 आ गया x, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 यहां आ जाएगा, 8 दे रहा था क्षेत्रफल, ये 16 हो जाएगा। x1 कितना है 3, y2 - y3 -3 में से -4 घटाएंगे तो -3 + 4 प्लस x2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y3 - y1 -4 + ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है p, यहां ब्रैकेट में कितना आ जाएगा y1 और y2 -2 + 3। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16, 3 में 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा तो 3 बचा रहेगा, प्लस 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का, 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर यहां 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, वो भी प्लस का, तो ये हो जाएगा p, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, वो भी माइनस का, -1 यहां जाके जोड़ेगा, कितना हो जाएगा 17, p का वैल्यू हो जाएगा 17, p का वैल्यू हो जाएगा 17 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये भी समझ आ गया आपको। अगला सवाल, तीन राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्ष के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं और आंकड़े हैं लाख रुपए में, बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो आंकड़े कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है वर्ष 1 से 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, 1 और 3 की बिक्री में कितने परसेंट का अंतर है, वर्ष 1 और 3। यहां 1 की बिक्री हम देखें टोटल 15 और 12 27 और 9 36, यहां हम देखें 14 और 15 29 29 और 13 29 और 13 होगा 42, 36 से बिक्री कितनी हो गई 42 हो गई, कितने का अंतर आया 6 का, 6 बढ़ गई बिक्री, कितने से बढ़ गई 6 बढ़ गई बिक्री 36 से गुणा 100, 1/6 आंसर कैसे दे रहा है परसेंट में दे रहा है, तो 1/6 पहले भी आपको बताया जा चुका है 16 2/3% और 16 2/3 मतलब 16.666 प्रतिशत ये आते जाता है। अब इसे क्या लिखा जा सकता है 16.67। अब देखो एक ही सेट में हमने देखा, इसी में एक का आंसर दिया था 16.66 और यहां दे रहा है 16.67,
तो आप समझ सकते हैं वो कुछ भी आंसर आसपास दे सकता है अप्रोक्सीमेशन में, तो यहां अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और आप तो यही लगाने वाले थे। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है, बाद में यह पता चला, देखो अभी हर एक का कितना है 72.5, और एवरेज आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, माध्य एवरेज मतलब होता है बराबर बांटना या बराबर से लेना। बाद में यह पता चला कि गलती से एक स्टूडेंट को 84 की जगह 48 लिख दिए, मतलब कमी कर दी उसकी, कितनी कमी कर दी उसके नंबर में, 48 से 84 तक जाने के लिए 36 बढ़ाना पड़ेगा, 36 की कमी कर दी। अब जो 36 उसके बढ़ाएंगे तो वो 36 किस में बटेंगे, सभी स्टूडेंट्स में बराबर बटेंगे, तो जो माध्य था अभी कितना था 72.5, और कितना सभी में बटेगा, 36 सभी स्टूडेंट्स में बट जाएगा, और सभी स्टूडेंट मतलब कितने 40। तो वही हमारी अप्रोच, हमें नीचे 10 रखना है यदि पॉसिबल है तो, 4 से काट देंगे ये 10 बन जाएगा, 4 से काटेंगे ये 9 बार, 0.9 ये हो जाएगा 73.4। ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, आरपीएफ एसआई का ये क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है आपको इसे पूरा एक्सपेंड करके खोल के सॉल्व करने की। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, यहां पर फिर से आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, वापस से तीनों आइडेंटिटी लिख देते हैं, एक तो हम आज यूज ही कर चुके हैं, तो आइडेंटिटी लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। इसमें से कुछ भी आगे पीछे जा सकता है, जैसे 1 यहां चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसी कहानी हो सकती है। यहां एक इक्वेशन दे रहा है, दूसरा वो पूछ रहा है, तो देखते हैं, इसमें से sec स्क्वायर थीटा बाहर लिखा जा सकता है, बचेगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब ये 1 यहां जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, लेकिन पूछ क्या रहा है, 10^4 थीटा, जो sec दिख रहा है उसे भी किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर tan स्क्वायर थीटा पहले से था इज इक्वल टू 3, इसका अंदर इंटू करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 10^4 थीटा इज इक्वल टू क्या है 3, और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो 3 मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें इसे वापस देखें, एक ही आइडेंटिटी का यूज किया है हमने, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, इसे हमने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा, और हमें पता है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, और tan स्क्वायर थीटा से जब गुणा करेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हमें दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद है आपको जो हमारा सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू गाइस।